आज तेरी जोत जलाते जलाते मुझे 12 साल हो गई, लेकिन तुमने मुझे दर्शन नहीं दिए। बाबा गुरु गोरखनाथ के चरणों में ध्यान लगा लिया, जोत को जोड़ लिया और बाबा से कहने लगी, बाबा या तो मुझे तुम दर्शन दे दो, नहीं आज के बाद बाछली भी जिंदा नहीं रहेगी। माता बाछली ने बाबा गुरु गोरखनाथ को पुकारने लगी, रो रो कर विनती करने लगी, बाबा सुनिए मेरी एक फरियाद है। और फरियाद क्या है? माता बाछली किस प्रकार से कहने लगी, बोल सच्चे दरबार की, बोल बाबा गुरु गोरखनाथ महाराज की, इधर से निकलो बेटा, फोन हटा लियो, टचवा फोन में बिजी है रहे हो, पब्लिक ना देख रहे हो, घेर लूंगा। बोल सच्चे दरबार की। और आई माता बाछली किस प्रकार से बाबा गुरु गोरखनाथ को मनाने लगी, की करम कर दे मेरे बाबा, हे बदरिया गम की छाई है, मेरी बिगड़ी बना दे बाबा, तूने लाखों की बनाई है। और माता बाछली बाबा गोरखनाथ को पुकारने लगी, याद करने लगी, बुलाने लगी है। कौन कौन बुलाएंगे बाबा को घर पे, कौन कौन बुलाना चाहते हैं बाबा जी को? क्या बात है, सभी भक्त जो बाबा को बुलाने चाहते हैं, बोले सच्चे दरबार की। और आई क्या करें भक्त, बाबा माता बाछल बाबा गोरखनाथ को पुकार रही, क्या करिए? हो बाबा बाछल तो रोवे दीने, राती जोड़े हैं दोनों हाथी, कब आओ गोरख नाथ जी। उठाओ दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, ताली बजाते बाबा को बुलाना, हो बाबा बाछल तो रोवे दीने, राते जोड़े हैं दोनों हाथे, कब आओ गोरख नाथ जी। ओ बाबा बाछल तो रोवे दर्शन नहीं दिए। और माता बाछली रो रो कन्यू कह रही, बाबा सुनिए मेरी बात, तेरी सेवा हे बाबा, तेरी सेवा उठाई गुरु मैंने दिन और रात गवाई, तेरी सेवा उठाई गुरु मैंने दिन और रात गवाई, अरे तेरी सेवा उठाई गुरु मैंने दिन और रात गवाई, तेरी सेवा उठाई गुरु मैंने दिन और रात गवाई। हे बाबा तेरी सेवा उठाई मैंने दिन रात, लेकिन बाबा मैंने फिक्र नहीं करा, बस ये चिंता लग रही मेरे बाबा गोरखनाथ कब आएंगे, कब मुझे दर्शन। और माता बाछली कहने लगी, बाबा अरे तेरी सेवा उठाई गुरु मैंने दिन और रात गवाई, तेरी सेवा उठाई गुरु मैंने दिन और रात गवाई। हो बाबा तुमसे मैंने ढेर लगाई, फिर भी सुनी ना फरी याद जी। हो बाबा आते कब आओ गोरखनाथ जी।
चली कहने लगी बाबा और सुनिए हाँ। दुनिया मुझे पांच कहती है और जिस माँ बेटी जिस माई के कोई बेटा बेटी ना हो अगर उस माँ दे बांझ कह दिया जाए तो उस माँ के दिल से क्या गुजरती वो माँ ही जानती है। माता बात सुन हो रही है बाबा मुझे सब लोग बांझ कहते हैं। बाबा बांझ बन को कहना छुड़वा दे तेरा बड़ा एहसान होगा। ठुकरानी मैया रो रही है आंखों में आंसू अल्लाई और रो रो कर विनती कर रही है बाबा मैंने तुमसे आज तक कुछ नहीं मांगा लेकिन एक बेटे की भीख मांग रही हूँ। और माता बात सुनियो कहने लगी रो रो कर बाबा सुनिए अरे दुनिया तो मोई हिंदी इधर हो जाओ इधर हो जाओ थोड़ा इधर हो मैया जी इधर हो जाओ इधर हो जाओ इधर हो जाओ हाँ छोटू इधर हो जाओ बेटा बीच में इधर रास्ता बना। और कहने लगे बाबा दुनिया तो मोई हे बाबा अरे दुनिया तो मोई बांझ बता रही सांस ननन दे कारी दुनिया तो मोई बांझ बता रही सांस ननन दे कारी अरे दुनिया तो मोई बांझ बतावे सांस ननन दे कारी दुनिया तो मोई बांझ बता रही सांस ननन दे कारी ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा मैं हूँ किस्मत की मारी सुन सुन के ताने हारी आके ने भइयो मेरो साथ जी ओ बाबा बासन दो मैं दे दो राधे जोड़े दोनों आते समय आओ बुरग नारे अरे ओ ओ ओ बाबा बासन दो दुनिया मुझे बांझ बताती है सांस नंद गाली देती है जीने नहीं देती बाबा मैं क्या करूं मुझे बताइए। लेकिन माता बाछिल ने बाबा के चरणों में ध्यान लगा रखा है और अपने मन की भावना को कह रही है बाबा सुनिए अरे कुआ बाग लगा के बाबा हे बाबा कुआ बाग लगा के बाबा दर्श करण को चाली कुआ बाग लगा के बाबा दर्श करण को चाली अरे कुआ बाग लगा के बाबा दर्श करण को चाली कुआ बाग लगा के बाबा दर्श करण को चाली। और बाबा पड़ी निगाह मेरी रे बाबा सूख गई हर डाली पड़ी निगाह मेरी रे बाबा सूख गई हर डाली ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा बागों की गई हरियाली फिर भी आए ना गोरखनाथ जी ओ बाबा गोरखनाथ का डमरू कैसे बजता है बताए जब बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं एक ही नाम का डंका बजता है बाबा वो तेरा डम 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 ऐसे नहीं डमरू कैसे बजता है तेरा डम 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 रूह बाजे कबड़िया नाचे बदरिया